सोनाली बिल्डर्स गुना, हमारे यहाँ विद मटेरियल कार्य उचित दामों में किया जाता है। हमारे यहाँ विद मटेरियल कार्य मात्र 1250 से शुरुआत, प्रीमियम कंस्ट्रक्शंस फिनिशिंग के साथ। अभी बुकिंग पर 3D एलिवेशन एवं संबंधित सारे नक्शे बिल्कुल। इंटीरियर एवं वास्तु क्रय हेतु एक्सपर्ट्स टीम, सभी बैंकों द्वारा होम लोन हेतु संपूर्ण सुविधा मुक्त। हनुमान कॉलोनी गुना मध्य प्रदेश। मैनेजिंग डायरेक्टर तरुण कुमार जैन 9839-9893057151। इंजीनियर विकास झा 8770089448। पानी की मोटर चलाने के लिए तार लगाने डीपी पर चढ़े एक व्यक्ति को लगा करंट, गंभीर रूप से झुलसा। गुना जिले के बमोरी थाने के पाटन बासखेड़ी गांव का एक व्यक्ति मोटर चलाने के लिए डीपी पर तार लगाने के लिए चढ़ा, तेज बिजली करंट लगने से एक हाथ और एक पैर हुआ फ्रैक्चर, गंभीर रूप से झुलसा। जिला अस्पताल गुना से भोपाल रेफर किया है। मनोज पुत्र छप्पन लाल सैरिया निवासी पाटन बासखेड़ी थाना बमोरी बीती शाम कटौती के बाद बिजली आने पर डीपी पर चढ़कर मोटर चलाने के लिए तार लगाने लगा था। तेज करंट लगकर झुलस कर हाथ पैर हुए फ्रैक्चर, गंभीर घायल को गुना जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से ज़्यादा हालत गंभीर होने के कारण उच्च उपचार के लिए भोपाल रेफर कर दिया गया। बमोरी पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। मनोज कौन जाति? आदिवासी। पिताजी का नाम? छपन लाल। कहाँ रहते हो? पाटन थाना बमोरी। कैसे जल गया तू? अरे मोटर पे पानी दे है कि कोई ने जला दिया? फिर मोटर पे पानी दे करंट लग गया क्या? अच्छा, कब लगा है? कल। कितनी बजे? रात दिन में कि रात में? दिन में 10 बजे। मरीज जल के आया है और उसके हाथ पैर भी टूटे हुए हैं, काफ़ी जला हुआ है, जख्मी है। आपने अभी देखा है तो आपने क्या क्या व्यवस्था कराई उसकी जानकारी मिली है कि मनोज सैरिया जो बांसखेड़ी है अपनी उधर बमोरी के आगे, वहाँ का बताया है उसने नाम। मेरा नाम मनोज सैरिया है, पर उसके करंट बता रहा है, कभी कहता है करंट लगाया, एक पैर भी टूटा है उसका। फिर मैंने वहाँ के एक व्यक्ति को फ़ोन लगा के पूछा है, डाकर समाज के हैं वो, बोला है उसके घर वाले और वो आ रहे हैं कि अभी तो वो कोई पुलिस की गाड़ी वगैरह लेके आई थी उसको, तो पड़ा है उसके लिए दिखवा रहे हैं, नहीं पा रहा ना। मुझे कह रहा हूँ करंट लगाए, पर करंट लगाए तो उसके हाथ पैर टूट रहे हैं, तो वो कैसे टूटे? एक पैर भी टूटा है उसका। जाँच का विषय है वो बात करेंगे, तो उसके घर वाले आएंगे, परिजन आएंगे। वो एक जिस बंधु को मैंने फ़ोन लगाया था तो उनने बताया है कि मैं उसके घर वाले ने भिजवा रहा हूँ और मैं भी आ रहा हूँ। वार्ड क्रमांक 30 कैंट में आवारा सांड ने हमला कर 10 लोगों को किया घायल। लोगों ने कलेक्टर से की सांड को पकड़ने की मांग। गुना जिला मुख्यालय पर शहर में सड़कों पर घूमने वाले आवारा मवेशी अब लोगों को जान का खतरा बनने लगे हैं। शहर में आवारा घूमने वाले एक सांड ने 10 लोगों को हमला कर घायल कर दिया है, जिसकी शिकायत लेकर 19 दिसंबर को लोग कलेक्टर के समक्ष पहुंचे। वार्ड क्रमांक 30 के लोगों ने कलेक्टर को दिए शिकायती आवेदन में बताया कि वार्ड क्रमांक 30 में कैंट क्षेत्र में एक लाल कलर का सेंड सांड आवारा घूमता है, जो कि सड़क पर चलते बैठे हुए या घूमने वाले लोगों को हमला कर घायल कर देता है। पिछले 15 से 20 दिनों में इस आवारा सांड ने 10 लोगों पर हमला करते हुए घायल कर दिया, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। सांड के हमला करने का एक सीसीटीवी फुटेज भी लोगों द्वारा सार्वजनिक किया गया है, जिसमें घर के बाहर बैठे व्यक्ति को सांड उठाकर पटकता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल लोगों ने कलेक्टर एवं नगर पालिका से सांड को पकड़कर जंगल में छोड़ने की मांग की है। हम सभी वार्ड क्रमांक 30 के रहवासी हैं और पिछले लगभग 15 से 20 दिनों से वार्ड क्रमांक 30 में एक आवारा सांड घूम रहा है, लाल कलर का सांड है। इसने कम से कम 8 से 10 लोगों को घायल कर दिया है, जिसमें बुजुर्ग दादी हैं एक, उनको लगभग 15 टांके आए हैं, एक महिला है उनको लगभग 10 टांके आए हैं, जो कि कलेक्टर साहब के यहाँ काम करती हैं। और कल रात्रि को मेरे भाई को सांड ने उठा के फेंका तो लगभग उसको भी अंदरूनी लगी हुई है। तो हम सभी मिलकर ये आशा करते हैं कि हमने इसका शिकायत नगर पालिका में भी की थी और उन्होंने उस सांड को लेकर गए थे, लेकिन वो फिर से वापस आ गया है और फिर से आतंक मचा रहा है। लगभग हमको 15 दिन हो गए हैं शिकायत किए हुए और वो सांड रोज घूम रहा है और रोज एक ना एक एक दो लोगों को गिराता है, बीच रोड पर घूमता है, ये कैंट अशोक नगर रोड पर। तो हमारी प्रशासन से यही मांग है कि वो उस सांड पर
मतलब अंकुश लगाए या उसे कहीं बाहर जंगल जंगली क्षेत्र में छोड़ के आए, जिससे यहाँ का जो रहवासी हैं वो परेशान ना हो या किसी को गंभीर कोई चोट ना आए या समस्या से बचे। आपका नाम? मेरा नाम महावीर जैन है और मैं वार्ड क्रमांक 30 गुना का रहने वाला हूँ। जैसा कि अभी आपने वार्ड नंबर 30 के बारे में बताया है, तो वहाँ सारणी के अलावा भी कोई और समस्या है, क्योंकि वहाँ भी सुनने में आया है कि पार्षद ने अपना इस्तीफा दे दिया है। हाँ, वहाँ पर सफाई की और अन्य समस्याएं हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी विकराल रूप लिए है समस्या, क्योंकि इससे 10 से 15 लोग जख्मी हो चुके हैं उस साढ़ के आतंक से। जनसुनवाई में दिखा हैरान करने वाला नजारा। घायल बच्चे को तिरपाल में लटका कर जनसुनवाई में लाए, खदान में दब गया था बच्चा। गुना कलेक्टर कार्यालय की जनसुनवाई में मंगलवार को हैरान करने वाला वाक्य सामने आया है। घायल बच्चे को तिरपाल पर लिटाया गया और दोनों तरफ से दो युवक उसे पकड़कर जनसुनवाई में ले गए। महिला बच्चे के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग कर रही थी। उसकी सुनवाई के बाद कलेक्ट्रेट में ही एम्बुलेंस बुलवाई गई और उस बच्चे को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया। इसका वीडियो भी सामने आया है। जनसुनवाई में ही डॉक्टर ने देखा और उसे जिला अस्पताल भिजवा दिया ताकि ग्वालियर या भोपाल में उसका ऑपरेशन हो सके। दरअसल शहर के नवीन कॉलोनी के रहने वाली मिथिलेश ने बताया कि दीपावली से पहले वह खदान पर मिट्टी लेने गई थी, तभी उनका 12 वर्षीय बेटा नरेश भी जिद करके उनके साथ चला गया था। मिट्टी खोदने के बाद ये खदान से बाहर आ गई, लेकिन बेटा अंदर ही रह गया। उन्होंने बेटे से बाहर आने को कहा, वह जब तक बाहर आ पाता खदान ढह गई और वह उसके नीचे ही दब गया। महिला ने बाकी लोगों को बुलाया, 6 लोगों ने मिलकर मिट्टी हटाई और बच्चे को बाहर निकाला। कमर की हड्डी टूट गई। महिला ने बताया कि वह उसे लेकर जिला अस्पताल गए, वहाँ से डॉक्टरों ने उसे भोपाल रेफर कर दिया। हादसे में बच्चे की रीढ़ की हड्डी टूट गई और कमर के नीचे का पूरा हिस्सा सुन्न पड़ गया। बच्चे का भोपाल में इलाज चला, लेकिन 6 दिन बाद ही बच्चे ने कहा कि उसे वहां नहीं रहना। बिना पूरा इलाज कराए ही परिवार वाले उसे गुना ले आए। इसके बाद उसे ग्वालियर ले गए। वहां डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसमें 2 लाख रुपये का खर्चा आएगा। परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे ऑपरेशन करा सकें, इसलिए परिवार वाले उसे लेकर गुना आ गए। यहाँ एक निजी अस्पताल में इलाज कराते रहे। जनसुनवाई में सिविल सर्जन डॉक्टर बोला ने बच्चे के इलाज के सभी कागज देखे। उसकी माँ से कहा कि पहले इसे जिला अस्पताल भिजवा रहे हैं, वहां से भोपाल या ग्वालियर रेफर किया जाएगा, चूंकि गुना में ऑपरेशन नहीं हो पाएगा इसलिए बाहर ही जाना पड़ेगा। सिविल सर्जन ने कलेक्ट्रेट में एम्बुलेंस बुलवाई और फिर उसे जिला अस्पताल भिजवाया। कहाँ के हो निवासी? कॉलोनी। तो बच्चे के चोट वगैरह कहाँ कहाँ आई है? बच्चे का शरीर काम नहीं कर रहा। ये घटना कब हुई? 3 तारीख दीपावली से पहले। अच्छा, तो तब से आपने कहाँ कहाँ दिखाया? ग्वालियर दिखा लिया, भोपाल दिखा लिया। ग्वालियर के डॉक्टर ने छुट्टी करके ग्वालियर वाले डॉक्टर। तो क्या बच्चा चल फिरता नहीं पाता? उसे बेटी इसके बाद कहाँ गए? इसके बाद ग्वालियर में। ग्वालियर में तो उन्होंने डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन हो जाएगा, 2 लाख का खर्चा बताओ, तो थोड़ी एक्सरसाइज की कही जाए। अब क्या आश्वासन मिला है आप जन सुनवाई में आए? अब क्या आश्वासन मिला है आप जन सुनवाई में आए? तो रेफर कर रहे हैं क्या? कोई आर्थिक सहायता का भी बोला है साहब ने? खदान में दब चुको है, इसकी पीठ की हड्डी टूट चुकी है, जो ना खड़ा हो पा रहा ना बैठ पा रहा है, सब पड़ गए। इसकी ऑपरेशन की मदद चाह रहा है। तो ये किसकी खदान में दब गया था? मिट्टी की खदान जी, नहीं वो सामने की कच्ची मकान, उसके मेरे साथ गया था। मैंने मट्टी को धोखा, इसको आवाज दी जो निकल नहीं पाया जी, दब चुका चले मैं से उबाड़ा था। तो आज आप जन सुनवाई में आए? इसकी इलाज की मदद के लिए आना है। आसमानी कार्ड भी नहीं, हर जगह आसमानी कार्ड मांग रहा है, तो इसका तहसीलदार साहब ने भेज दिया। पीएमएस छात्रावास में परेशान हो रहे छात्र जनसुनवाई में आज पीएमएस छात्रावास के छात्रों ने अपनी समस्या सुनाई। उन्होंने साफ सफाई, खाना की गुणवत्ता, सीवर, छात्रावास की जर्जर हालत, सामग्री सहित अधीक्षक के रख व्यवहार को लेकर की शिकायत। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नीति सायरवार नाम है।
जी कौन से हॉस्टल से हो? बी एम एस छात्रावास। जी बताएं क्या समस्या लेके आए थे आप? हम हॉस्टल की समस्या को लेकर आए थे, आए खाना भी आए तो खाना भी नहीं बना और खाने का पूरा सामान खत्म हो गया। और इसमें ना पिछले मंगलवार को भी आए थे, ना तो वो कोई समस्या का सॉल्व मिला और ना डीओ सर निरीक्षण करने आए, ना कलेक्टर सर निरीक्षण करने आए, कोई हमारी सुनता नहीं। आज ज्ञापन ले लिया और डीओ सर भी नहीं मिले आज, और खाना का पूरा ख़त्म हो गया सामान, और ना तो साफ़ सफाई होती है, ना कर्मचारी टाइम पे आते हैं, ना अधीक्षक की नियुक्ति हुई, अधीक्षक को बदल दिया, दूसरे अधीक्षक की सर भी नहीं आया अभी। ऐसे कितने छात्र हैं आप? 50 छात्र हैं। क्या आश्वासन मिला आपको आज? आश्वासन ये मिला कि डीओ सर आएंगे, वो निरीक्षण करेंगे और फिर जल्द से जल्द आपको एक समस्या का सॉल्व मिलेगा। मतलब आज खाना नहीं बना? आज खाना नहीं बना। तो फिर आज की व्यवस्था कहाँ से हुई? आज डीओ सर ने बोल दिया कि अब देखेंगे, उनने कुछ नहीं बोला और आज भूखे हैं सारे छात्र। गुना में चोरी का अजीबो गरीब मामला, सोना चांदी नहीं मुक्तिधाम से अस्थियां और राख चुरा ले गए चोर, परिवार में आक्रोश। जिले के चांचोड़ा इलाके के बीनागंज में चोरी का एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां चोरी सोने चांदी या नकदी की नहीं बल्कि अस्थियों की हुई है। मुक्तिधाम से चोर अस्थियां और राख चुरा ले गए। परिवार वाले जब अस्थि संचय के लिए मुक्तिधाम पहुंचे तब ना तो वहां अस्थियां मिली और ना ही राख। घटना से परिवार वालों में काफी आक्रोश है। दरअसल बीनागंज कस्बे की रहने वाली मीनाबाई शिल्पकार पति लक्ष्मी नारायण उम्र 30 वर्ष की मौत 17 दिसंबर को हुई थी। महिला को टाइफाइड हो गया था, इसके बाद उसे भोपाल में भर्ती कराया गया, तब जहां उसकी मौत हो गई थी। परिवार वाले शव को लेकर बीनागंज पहुंचे। उसी दिन परिवार वालों ने बीनागंज स्थित मुक्तिधाम में उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार के बाद सभी परिवार वाले वापस अपने घर आ गए। मंगलवार को अस्थि संचय होना था जिसके लिए परिवार वाले मुक्तिधाम पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि जब सब लोग मुक्तिधाम पहुंचे तो वहां से अस्थियां और राख गायब थी। ये देखकर सभी लोग अचंभित रह गए। परिवार वालों ने बताया कि ऐसा पहली बार उन्होंने देखा है कि मुक्तिधाम से अस्थियां ही गायब हो गई हैं, इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा। आज ये हमारे साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी हो सकता है, इसलिए मुक्तिधाम में सीसीटीवी कैमरे लगवाने चाहिए। क्या मामला है मुक्तिधाम में? मुक्तिधाम में ये मामला 17 तारीख को मेरी भाने बहू खत्म हुई। अब आज उनकी सारी का काम करने जब हम आए तो रखोड़ी वगैरह अस्थि वगैरह पूरी गायब, कोई पता ही नहीं है कहाँ चलेगा कहाँ नहीं चला। भाई हम तो इतनी उम्र हो गई, हमने पहली बार देख रहे हैं ऐसा राग, राग इतनी हिटी नहीं, अस्थि वगैरह पूरी रखोड़ी वगैरह सब गायब है। क्या है क्या हुआ फिर? अस्थि और रखोड़ी पूरी गायब हो गई जी। हाँ, अब आज हमारे साथ हुआ, कल और के साथ, इसलिए यहाँ कैमरा मतलब लगना बहुत आवश्यक है रात्रि के लिए, कि कोई बाद में आके हरकत तो नहीं करे। प्रशासनिक अधिकारी को आपने जानकारी दी क्या? हमने तो अध्यक्ष को बताया। क्या कहना है उनका, क्या कहना है? अध्यक्ष ने बताया कि भाई जो है, अब मैं चौकीदार से बात करता हूँ, चौकीदार से हमने बात करी, चौकीदार ने कही भाई ये तो मेरे कोई जवाब नहीं है, भाई हम पूरी समाज वाले सब मतलब जो नाराज है चीज से, ऐसा नहीं। अरे आज तो हमारे साथ हुआ, कल दूसरे साथ हो सकता। पुलिस पर ट्रैक्टर बदलने का आरोप। जनसुनवाई में सुनीता बाई पत्नी स्वर्गीय शिवराज अहिरवार ग्राम मोरवास थाना जामनेर तहसील मधुसूदनगढ़ ने बताया कि उसके पति का 9 नवंबर को टोडरा पर ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ था। इसमें उसके पति की मौत हो गई थी, लेकिन पुलिस ने जिस ट्रैक्टर से दुर्घटना हुई उसे भगाकर दूसरा वाहन जब्त किया। वहीं पुलिस 181 पर की गई शिकायत वापस लेने दबाव बना रही है। पुलिस ने उस वाहन को भगा दिया जिसका बीमा नहीं था और जिसका बीमा है उसे खड़ा कर लिया है। मामले में पुलिस ने ट्रैक्टर मालिक से साठगांठ कर ली है, शिकायत पर थाने से भगा दिया जाता है। क्या नाम है आपका? रीता भाई। कहाँ रहते हो? मोरवास। थाना कौन सा लगता है? जामनेर। जी बताएं क्या समस्या लेके आज आप आवेदन देने आए थे? जो समस्या आ गई जामनेर थाना में, जामा माँ भी सुनवाई नहीं है, गुना आ रहा है, 2 महीने होगा भागते हम काम करके आ रहा है, सो बीते बीते भर मुझे जागने जमीन हमारे रेवा को घर नहीं और तू क्या 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 मांग की है आपने? तो सुनवाई नहीं हो रही। क्या क्या सुनवाई नहीं हो रही, हुआ क्या है? मार दे एक्सीडेंट को ना ले रहा, मार दे टैंकर ट्रैक्टर असूए बासा दे रही और पीछे से मार दे वो दूसरो टैंकर ट्रैक्टर लगा दे, पुलिस बारा मिल रहे हो।
कब की घटना है जी? 9 तारीख थाना में जो कार दी ये गुना जामा या थाना में जामा तू तड़ा कब बोली गुना जा जब दी मदन थाना में लुकी हम कई कर आए बम्बई तक चले जा सद की मर रहे जा तुम्हार सुनवाई नहीं हो कहीं तक उनकी एक्सपायर कैसे हुए जी खत्म कैसे हुए जी स्पोर्ट पे होगा क्या नाम है आपका रवि अग्रवाल कहाँ रहते हैं जा मोरवास जी बताएं किस क्या समस्या लेके आए थे आप वो हमारे भैया का एक्सीडेंट हुआ था भैया बरसात से काम करके आ रहे थे घर के लिए लौट रहे थे शाम को तो हमको तो पुलिस के द्वारा बताया गया कि टोड़ा पे तुम्हारे भैया का एक्सीडेंट हो गया तो 5 या 10 मिनट में मैं वहाँ पर पहुँच गया तो मैं वहाँ पहुँचा तो भैया तो ख़त्म हो गए थे वहाँ पर ना ही तो गाड़ी फूटी थी और ना ही उन सर में चोट थी उनके पीछे और थाने में एफआईआर लिखवा दी उनने एफआईआर उनके हिसाब से लिखी टीआई ने हम तो वहाँ पर बैठे थे और वो लिखते गए उनके हिसाब से क्या लिखना क्या नहीं वो तो ख़त्म तो हो गए थे तो हम तो वहाँ पर आने की सोच रहे थे और तो वो हमको वहाँ बैठा ली और हमसे ये बोलते हैं कि किसी का ट्रैक्टर बीमा वाला ट्रैक्टर लगा दो जिससे तुमको क्लेम मिल जाएगा और उनने ट्रैक्टर पकड़ लिया दो दो ट्रैक्टर पकड़ लिए एक को बदल करके एक पकड़ा था उसका बीमा नहीं है कि हमने बीमा वाला पकड़ लिया इससे बीमा मिल जाएगा और तुम थाने आके नहीं एक से कैसे फिर शिकायत कर रहे कि वो वापस ले लो ऐसे बोल रहा है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है एसपी ऑफिस आ गए वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई और जन सुनवाई में भी आए थे पिछले मंगल तो सामने मिले थे 1 बजे आए थे हम आज आए तो आज भी सामने मिले बड़े साहब छोटे साहब बैठे हैं आज भी और ये बोल दिया कि एसपी ऑफिस चल जाओ वहीं पर वही सुनवाई यहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई है क्या लगता है आपको ये लगता है कि वो तो एक्सीडेंट तो हुआ नहीं उनके सर में चोट है तो उनने मारा है उनको किसी पे शक वगैरह कोई शक है ना उस पर यह जिसके घर के सामने हुआ है सुमेर सिंह धाकड़ के घर के सामने हुआ था एक्सीडेंट उस पर ही शक है पूरा जस्ट उसके घर के सामने हुआ था पुलिस को खोजना ही नहीं कर रही ना ही उनसे पूछताछ करी या घर वालों से ना ही कुछ क्या नाम था आपके भाई का शिवराज अहिरवाल कितनी उम्र थी 23 साल कितने बच्चे होंगे 2 धूप सेक रहे व्यक्ति की मौत स्थानीय बीजी रोड पर आज अपराह्न में धूप सेक रहे एक 39 वर्षीय व्यक्ति की अचानक स्वास्थ्य बिगड़ जाने के बाद मौत हो जाने का समाचार है जिसकी शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं असल में मामला यह है कि आज अपराह्न में एक व्यक्ति स्थानीय बीजी रोड पर शहनाई गार्डन के पास खुले में धूप सेक रहा था इसी बीच वह अचानक बैठे बैठे गिर गया ये देख आसपास के लोगों ने इसे सामान्य घटना मानकर उसे जस का तस बैठा दिया लेकिन उसके तुरंत बाद वह वापस जमीन पर गिर पड़ा जिस पर से लोगों को शक हुआ और इस आशय की सूचना पुलिस को दी गई सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने प्राथमिक जांच पड़ताल के साथ ही उसे जिला चिकित्सालय पहुंचाया लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी और इसी पर से ठंड लग जाने से हार्ट अटैक आने से अचानक व्यक्ति की मौत हो जाना देखा जा रहा है इस संदर्भ में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक की उम्र लगभग 39 वर्षीय थी और वह हार्ट का कट्टा था पुलिस द्वारा मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं क्या नाम है आपका रामजी लाल शर्मा जी बता क्या घटना हुई यहाँ पे ये बैठा था अच्छा वाला एकदम इसको चक्कर आया ये नीचे गिरा उसको उठाकर फिर बिठाला नीचे फिर ओंदा फिर गिर गया फिर पुलिस को फोन लगाया 100 नंबर पे एम्बुलेंस को फोन लगाया होल्ड करके पुलिस ने रख दिया होल्ड करके ही एम्बुलेंस ने रख दिया कोई सुनवाई नहीं कितनी देर पहले पुलिस को करीबन 1/2 घंटा हो गया अभी तक कोई नहीं आया कौन है आई ना एम्बुलेंस आई कौन है क्या है कौन है अपन उसको नहीं जानते मृत हो गया बिल्कुल और कहीं शिकायत की इसकी अभी और कहीं नहीं की कुएं की राशि हड़प गए सरपंच सचिव भारत सिंह पुत्र भवरलाल मीना निवासी ग्राम मुड़िया खेड़ा तहसील कुंभराज के साथ गांव के ही कल्याण पुत्र कैलाश नारायण मीना इमरतलाल पुत्र शंकरलाल मीना ने जनसुनवाई में शिकायत की है कि कपिल धारा योजना के तहत शासन की ओर से कुएं की राशि स्वीकृत होने के बाद भी 3.5 लाख की राशि सरपंच सचिव के द्वारा फर्जी मस्टर बिल लगाकर गबन कर दी गई क्या नाम है आपका राम सर खा रहे थे मुड़िया के क्या समस्या था आपकी कुआ की क्या सरपंच ने पैसा निकाल लिया कुआ पूरा किस सरपंच ने निकाले वो सरपंच का नाम तो मुन्नी भाई है वो अपन पुत्र है लालू कितने पैसे निकाले पता तो कहीं 3 लाख हिटे कते हिटे मैं गुंताल थोड़ो ही आपके अनुसार कितना
वो हमारा दूसरा सरपंच बने जिन कही है पर वो मटर को किस चीज के पैसे निकाल लीजिए? कुआ का। कौन से कुएं के? पंचायत के द्वारा खुदा था। पंचायत के द्वारा ठीक है। जरूरतमंदों को वितरित किए गए 100 से अधिक कंबल। गुना में पंजाबी महिला समिति द्वारा बढ़ती ठंड को देखते हुए जरूरतमंदों को लंगर के बाद ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें कि पंजाबी महिला समिति द्वारा लगातार समाज सेवा के कई कार्य किए जाते रहे हैं। इसी क्रम में समिति ने जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए हैं। समिति के सदस्य गुरुद्वारे में एकत्रित हुए, लंगर के बाद कंबल वितरित किए गए। इस दौरान सभी समाजों के 120 जरूरतमंदों को समिति ने कंबल वितरित किया। इस दौरान अनुराधा लुम्बा, राखी अरोरा, अंजू जग्गी आदि कई लोग उपस्थित रहे। आरून की भादौर एवं देवरी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत किया गया कार्यक्रम का आयोजन शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर तरुण राठी के निर्देशन तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत प्रथम कौशिक के मार्गदर्शन में गुना जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। इस क्रम में आज आरून के भादौर एवं देवरी विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यात्रा के अंतर्गत जिले में IAC सर्विस सुविधा युक्त मोबाइल वैन ग्राम पंचायतों में जाकर योजनाओं को प्रचारित कर रही है तथा विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर शासन के चिन्हित योजनाओं में पात्र हितग्राहियों को लाभ देने हेतु पंजीयन किया गया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा रहा है। आज भादौर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राजकुमार रघुवंशी मंडल अध्यक्ष, भाजपा आरोन सरपंच गुड्डी बाई, मानसिंह सूर्यवंशी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जन अभियान परिषद, डॉक्टर आकृति लकड़ा, धर्मेंद्र जाट जनपद सदस्य सरपंच राजू रघुवंशी एवं डे नोडल अधिकारी एवं संचालक पशु चिकित्सा आर के त्यागी सहित ग्रामीण जन उपस्थित रहे। इस दौरान उपस्थित जनों को शपथ दिलाई गई। कुमराज नगर परिषद में भ्रष्टाचार चरम पर, सभी पार्षदों ने लगाए आरोप। कुमराज नगर परिषद में भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है। निर्माण कार्य, लोगों की समस्या, भुगतान नहीं होगा, फर्जी बिल, कर्मचारियों का चार्ज अदला बदली, पेट्रोल डीजल खर्च गड़बड़ी जैसे आरोप सभी पार्षदों ने लगाए। सभी पार्षदों ने स्टोर रूम में सामान भी देखा। वहीं कर्मचारियों को प्रेशर से काम कराया जा रहा है, CMO द्वारा परेशान किया जा रहा है। आज कुमराज नगर के सभी पार्षदों ने CMO से चर्चा भी की गई। CMO द्वारा जल्द ही समस्याओं का निराकरण का आश्वासन दिया गया। अध्यक्ष जी, हाँ बोलो, ये क्या चल रहा है आपकी नगर पालिका में इस समय? सब नगर पालिका में काम धाम तो कुछ हो नहीं रहे हैं। जो हम निर्माण कार्य की और पब्लिक की समस्या की जो बात करते हैं वो तो पूरी हो नहीं रही है, और जो काम भुगतान नहीं होना चाहिए वो भुगतान नगर पालिका में हो रहे हैं। जैसे एक अपने डीजल का भुगतान है, वो 1900 लीटर का डीजल का भुगतान इनने करा है, और 700 लीटर की यहाँ की 750 लीटर की या 800 लीटर का समथिंग खपत है नगर पालिका में एक महीना की, उसकी 1900 तक कुछ इनने खपत करी है। अब मनमानी से चल रही है, पूरा स्टाफ इधर से उधर कर दिया, कोई पार्षद की सुनवाई नहीं। CEO साहब से हम पूछते हैं, साहब हमें इस चीज़ की जानकारी दो, साहब ये सब क्यों चल रहा है, साहब क्यों कर रहे हैं? तो वो बोलते हैं मैं, मेरे को जो जमेगा मैं मेरे हिसाब से करूँगा, उसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यहाँ पर नगर पालिका में पेमेंट होता था, अपना जो नगर पालिका कुमराज से पेमेंट होता था, साहब इनने आधे डायरेक्ट चेंज कर दिया और ब्यावरा से पेमेंट करवा रहे हैं, ताकि यहाँ जो ये पेमेंट कर रहे हैं उसका मालूम ना चले हमें। हमने इनसे बोला CEO साहब से, CEO साहब बोलते वो मेरे को जो जमेगा मैं मेरे हिसाब से करूंगा, आप इसमें कुछ भी नहीं हो, आप तो आपका बाट का काम बताओ, निर्माण कार्य बताओ, बाट की समस्या करो, नगर पालिका के विषय में आप अंदर नहीं बोलोगे। मैंने उनसे बोला साहब मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं क्यों नहीं बोलूंगा? हम पूरी परिषद ने बोला है साहब, मैं सिंगल ही नहीं था, पूरी परिषद थी, पूरी परिषद ने ये मांग रखी, तो उन्हें संतुष्ट जवाब कोई हमें जवाब दे दिया गया, और अपनी अपनी इच्छा के अनुसार नगर पालिका को चला रहे हैं पत्रकार साहब। तो क्या मांग है फिर आपकी? हमारी मांग यही है साहब कि जनता का रुपया जो जायज पेमेंट हो वही पेमेंट हो, और जो हम पार्षद जितने भी हम जनप्रतिनिधि हैं नगर के लिए, हम बोलते हैं हमारे काम हो, व्यवस्थित काम हो, मेरी अपनी कुमराज की नगर की पब्लिक संतुष्ट रहे, यही साहब मांग है हमारी CEO साहब से, यही हमारे उनसे हमने उनसे बोला है कि। आपका नाम? रामदास सिंह राजपूत, मैं वर्तमान पार्षद हूँ और 94 से लेकर 2003 तक नगर पालिका अध्यक्ष ही रहूँ मैं और मेरी पत्नी। हमने तो ऐसा भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा कि 2-2 लाख रुपए की मिठाई, जबकि एक्ट में ही प्रावधान नहीं है कि मिठाई के बल पास हो, ये कुमरा नगर पंचायत में चल रहा है।
डीजल की खपत दोगुनी, जितनी खपत है उससे दोगुनी भ्रष्टाचार चरम है। निर्माण कार्य के नाम से फर्जी बिल, 99 के नाम से फर्जी बिल, लाइट उमरा नगर जितने पोल नहीं उससे चार गुना लाइट, और जब लाइट की मांग करते वार्डो में तो लाइट नहीं, जबकि एक बार जो बल्ब आ जाता है LED आ जाती है आने के बाद उसकी गारंटी रहती है एक साल की, इसके बाद बल्ब लाइट खरीदी जा रहे हैं। अभी वर्तमान में दो महीने में एलम आ गई 21 टन बिल बता रहे, जबकि 60 पर नहीं है अभी 5 टन भी, 15 टन का फर्जी बिल, ना इनके पास बिल्टी है ना धन काटा की पर्ची है। CMO अध्यक्ष दोनों की मनमानी, पूरी परिषद परेशान, पूरे कर्मचारी परेशान और नगर परेशान, कोई निर्माण कार्य होने के नाम की चीज़ नहीं है ऐसा देखने में मैंने शायद मध्य प्रदेश में ऐसी फर्स्ट नगर पालिका हो जैसी कुमरा। जी बताइए आपका नाम। मेरा नाम साजिद काम बटाल। जी बताइए क्या समस्या। वार्ड से प्रतिनिधि हूँ, वार्ड नंबर 9 से। कल रात को साहब ने हमें जानकारी के अनुसार डीजल की सूची दी थी कि एक महीने 1800-1900-2200 लीटर करीब खर्च होता है नगर पंचायत। मैंने आज सुबह आके नगर पंचायत में देखा तो उन्होंने रात को दर्ज करवाया था कि 10-10 लीटर हम पर टेम्पो को देते हैं, तो 10 लीटर में 170 पर किलोमीटर चलना चाहिए पर डे, जबकि हमारा कुमराज मात्र 2-3 किलोमीटर के एरिया में है। तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार डीजल में, 5 लीटर आज उन्होंने दिया, बोले 2 दिन में 5 लीटर आ दे एक गाड़ी में, डीजल में करीब 1200-1500 लीटर का भ्रष्टाचार हो रहा है हर महीने। ये तो सिर्फ एक ही चीज़ है, इसके अलावा और भी कई चीज़ हैं जिनके आगे खुलासे होंगे। आपका नाम? मैं संतोष अहिरवार हूँ, वार्ड नंबर 1 से पार्षद हूँ। और जैसा कि बताया जा रहा है माननीय उपाध्यक्ष जी महोदय द्वारा और हमारे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि कुमराज नगर परिषद पूरे मध्य प्रदेश में एक ऐसी परिषद है जहां पे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, अध्यक्ष और CMO की मनमानी चल रही है, सभी जनप्रतिनिधिगण कुमराज में परेशान है, विकास नाम की चीज नहीं है। जबकि हम बार बार यहाँ पे आवेदन कर चुके हैं, प्रस्ताव दे चुके हैं, निर्माण कार्य होना यहाँ अभी तक चालू नहीं हुआ है। बस इतना ही कहूंगा, बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार है। बस मत करो नाम पूछ। क्या नाम आपका? गोविंद नारायण मीना। क्या काम देखते हो आप नगर पालिका में? नगर पालिका में पहले काम देखता था भवन निर्माण, बिल्डिंग परमिशन, दुकान नामांतरण, ये चीज देखता था। अब आज की तारीख में क्या देख रहे हो, आज क्या चार्ज है? में मुझसे सब चार्ज वापस ले लिए गए, कोई चार्ज मेरे पास नहीं। क्यों ले लिए, क्या आरोप लगाया आपके ऊपर चार्ज वापस लेने का? चार्ज कार पहले मेरे पास अकाउंट का चार्ज था, मेरी मानसिक स्थिति मतलब शुगर और ब्लड प्रेशर का मैं मरीज था, तो मैंने लिख के दे दिया कि भाई मुझे ये काम नहीं करना, मुझे प्रेशर में काम करवाया जाता था, इसका भुगतान करो उसको भुगतान करो, CMO द्वारा परेशान किया जाता था, तो मैंने लिख के दे दिया भैया आप फर्जी जो भी भुगतान करवाते थे। एक कुर्सी का 3 बार भुगतान किया जा रहा था, ये बात सही है? एक कुर्सी का, एक जो कुर्सी नगर पालिका में आई है नगर परिषद में, उसका भुगतान 2 बार या 3 बार किया जा रहा था, ये बात सही है क्या? नहीं, एक कुर्सी का 1 बार भुगतान किया गया, 3 बार नहीं। एक बार तो होता ही है, एक बार ही होता है। आपसे ये भी दबाव डाला कि इसका दोबारा भुगतान करो? 5 कुर्सियां दोबारा आई थी तो इनका डायरेक्ट कोई फाइल नहीं चलती, डायरेक्ट भुगतान के लिए बोला गया था, इसलिए मैंने मना कर दिया। ये तो आप ये सभी खड़े हुए हैं तो सभी कर्मचारी हैं यहाँ के? हाँ, कर्मचारी पूरे नगर पालिका कर्मचारी। अच्छा, तो आप इसी में काम करते हैं ना? ये इसी नगर पालिका में काम करते हैं। अच्छा, तो आप कब से इसमें काम कर रहे हैं? मैं तो 95 से। अच्छा, तो क्या समस्या आ रही है आपको? मुझसे कोई काम नहीं है अभी, मतलब कोई भी काम नहीं है। मतलब आपका नाम? मेरा विकास श्रीवास्तव। आप कब से कर रहे हैं इसमें काम? मैं 2008 से कर रहा हूँ। अच्छा, तो अभी आप किस में काम कर रहे हैं? मैं ई नगर पालिका देख रहा था और अभी 2 महीने से मुझसे चार्ज ले लिया, मुझसे ये बोला मैं आप ID पासवर्ड दे दूँ। मतलब आप जो सभी खड़े हुए सब कटा दिया है और ब्यावरा से चल रहा है अभी ये काम ई नगर पालिका का। अच्छा, तो आप जितने भी यहाँ पर जितने कर्मचारी खड़े हुए हैं सबको हटा दिया गया? सब कर्मचारी इधर उधर कर दिए, काम करते हुए कर्मचारी को इधर उधर किया जा रहा है। अदलाबदली हो गई, बाबू को जल प्रदाय में पार्वती भेज दिया गया। अच्छा, तो सबको मतलब अदलाबदली हो गई। एक कर्मचारी मानसिक रूप से तो परेशान है। चलो ठीक है।